हेलो एवरीवन, स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहां पर देखने वाले हैं अक्टूबर माह के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में। कई एग्जाम में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डेज यहां पर कौन से हैं, किस दिन कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इन दिवसों की थीम पूछ ली जाती है, विषय पूछ लिए जाते हैं, तिथि पूछ ली जाती है, और या फिर कई बार इनकी सूचियां मिलान करने को लेकर भी प्रश्न बनते हैं। तो ऐसी ही टॉपिक को लेकर के आज हम यहां पर रिवीजन करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जो अक्टूबर माह से यहां पर रिलेट करते हैं। आइए यहां पर देखते हैं कौन कौन से प्रमुख दिवस जो हैं अक्टूबर माह में अब तक मनाए जा चुके हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए विश्व खाद्य दिवस है। विश्व खाद्य दिवस का जो आयोजन होता है वो कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को यहां पर मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। शुरुआत यहां पर देखा जाए तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम कहते हैं FAO, की स्थापना के उपलक्ष्य में यहां पर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष देखा जाए विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाने का उद्देश्य यह है कि विश्व भर में जो खाद्य सुरक्षा को यहां पर बढ़ावा देना, जागरूकता फैलाना। इस वर्ष यानी कि 2023 की जो विश्व खाद्य दिवस की थीम रही है, थीम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, वॉटर इज लाइफ, वॉटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, अर्थात जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो। ये इसके बाद इस साल की यहां पर आपको थीम है। और यह सतत विकास लक्ष्य 2 अर्थात जीरो हंगर लक्ष्य की प्राप्ति पर यहां पर आपको बल भी देता है। तो यह है आपका विश्व खाद्य दिवस से संबंधित यहां पर कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऐसा ही दूसरा यहां पर है विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस के संदर्भ में अगर हम देखें जो फैक्ट यहां पर आपको है, ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। दूसरी जो तिथि है ध्यान रखिएगा कब मनाया गया, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस यहां पर मनाया जाता है। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यहां पर जयंती के उपलक्ष में आपको मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो डॉक्टर कलाम के ने उल्लेखनीय योगदान दिया था, उनके द्वारा काफी यहां पर युवाओं को प्रोत्साहित किया गया, उनको समर्पण के लिए यहां पर इस सम्मान के तौर पर 2010 से वैश्विक स्तर पर विश्व छात्र दिवस ये मनाया जाता है। तो शुरुआत कब से हुई है, 2010 से। देखा जाए तो डॉक्टर कलाम महान शिक्षक, प्रख्यात वैज्ञानिक, महान राजनेता रहे हैं। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। विश्व छात्र दिवस 2023 की थीम क्या रही है वो भी देख लेते हैं, फेल यानी कि सीखने की दिशा में पहला प्रयास, स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति कलाम का मानना था कि जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको तीन शक्तियां आपके पास होनी चाहिए, जैसे इच्छा, विश्वास और अपेक्षा को समझना और उन पर यहां पे काबू पाना। तो ये दूसरा यहां पर दिवस जो कि अक्टूबर माह में मनाया गया। तीसरा यहां पर है विश्व स्पाइन दिवस। विश्व स्पाइन दिवस देखा जाए तो कब मनाया जाता है, यह भी आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। स्पाइन का मतलब रीढ़ होता है, अर्थात रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसको, उसके संदर्भ में यहां पे जागरूकता फैलाने के लिए यह प्रयास आपको शुरू किया गया है। 2023 की जो थीम रखी गई है मूव योर स्पाइन, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकारों को रोकने, प्रबंधित करने के लिए शारीरिक क्रियाशीलता और गतिविधि की भूमिका पर यहां पर बल देना है। WSD की जो शुरुआत हुई 2008 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ काइरोप्रैक्टिक यानी कि WFC के द्वारा यहां पर दी गई है, और विश्व में विभिन्न संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम का यहां पर समन्वय किया गया। WSD का जो उद्देश्य है वो लोगों की रीढ़ की हड्डी के संबंधित विकारों के कारणों को जानना, उनका रोकथाम, उपचार के विषय में यहां पर शिक्षित करना है, साथ ही अपनी रीढ़ की हड्डी की देखभाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाइड केन दिवस। ठीक है, यह क्या है, तो यह कब मनाया गया, यह भी 15 अक्टूबर को मनाया गया। 15 अक्टूबर को देखिए विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, दिव्यांग व्यक्तियों, विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों के पहुंच समावेशन को यहां पर बढ़ावा देना। इसे व्हाइट केन सेफ्टी डे भी कहा जाता है, और इसको पहली बार देखा जाए तो 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के द्वारा यहां पर मान्यता दी गई थी। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए व्हाइट केन एक नेविगेशन या पहचान यहां पर सहायता करता है, और उनके लिए शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जो स्वतंत्रता, गतिशीलता और आत्मविश्वास का यहां पर प्रतिनिधित्व करता है। तो वर्ल्ड व्हाइट केन दिवस के रूप में भी ध्यान रखें। इसके बाद विश्व कपास दिवस 2023। यहां पर देखिए तो हाल ही में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा भारतीय कपास निगम और EU संसाधन क्षमता पहल के सहयोग से विश्व खास दिवस को, कपास दिवस को 7 अक्टूबर 2023 को यहां पर एक सम्मेलन की मेजबानी भी की है,
और इसमें कपास मूल्य श्रृंखला, सर्वोत्तम प्रथाओं, संधारणीय तरीकों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में देखा जाए तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की यहां पर आपको शुरुआत भी की गई। इसमें ट्रेसेबिलिटी के साथ गुणवत्तापूर्ण कपास के लिए यहां पर रोकथाम कपास कार्यक्रम की यहां पर आपको शुरुआत की गई है। नेक्स्ट यहां पर देखें विश्व दृष्टि दिवस, यह मनाया गया कब आपको प्रत्येक वर्ष यहां पर अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को यहां पर आपको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टिबाधिता की ओर ध्यान आकर्षित करना। वर्ष 2023 में देखा जाए तो 12 अक्टूबर को देखा जाए तो यहां पर विश्व दृष्टि दिवस को मनाया गया है। थीम की बात करें तो लव योर आईज एट वर्क, अर्थात काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें, इस वर्ष की यहां पर थीम रखी गई। इस वर्ष लोगों को कार्यस्थल पर अपनी दृष्टि की सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने पर यहां पर जोर दिया गया है। विश्व स्तर पर कम से कम 1 बिलियन लोगों को निकट दृष्टि दोष से यहां पर आपको पीड़ित हैं, जिसे रोका जा सकता है या अभी तक इसका समाधान यहां पर नहीं निकाला जा सका है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। तो यहां पर हमने इस सप्ताह के यहां पर कुछ प्रमुख आपको अक्टूबर में मनाए जाने में प्रमुख दिवसों की यहां पर आज चर्चा की है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम आते रहेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके जरूरी हैं, हम स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।